कोरोना काल के बाद हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए धार्मिक उत्सवों की कड़ी में छोटी काशी यानी मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव इस बार उल्लास के माहौल में नहीं गमगीन माहौल में संपन्न हो रहा है। हो भी क्यों ना, मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद शांत व सरल स्वभाव के नेता रामस्वरूप शर्मा यूं खामोश व चुपचाप चले गए। इस नश्वर जीवन को छोड़कर एक दिन जाना सबको है, लेकिन जिस तरह रामस्वरूप शर्मा असामायिक अपनी अंतिम यात्रा पर निकले वह किसी के भी दिलो दिमाग में सही से नहीं बैठ रहा। कारण कि शर्मा प्राकृतिक मौत नहीं मरे, वरन उन्होंने स्वयं फांसी का फंदा गले में लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। अब यही सवाल केवल रामस्वरूप के परिजनों नहीं बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं और प्रदेश सहित देश के उन तमाम लोगों के जहन में कौंध रहा है जो उनके सहज व्यक्तित्व से वाकिफ थे। बुधवार सुबह सवेरे जैसे ही दिल्ली स्थित आवास के अपने कमरे का दरवाजा रामस्वरूप ने नहीं खोला तो पुलिस को सूचित करने के बाद जब अंदर का माहौल दिखा तो सब दंग रह गए कि एक मिलनसार व जीवन के प्रति अति आशावान व्यक्तित्व कैसे फंदे पर झूल रहा है। हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन ऐसा कोई संकेत भी अभी तक नहीं मिला है कि उनके जीवन के साथ कोई अनहोनी हुई हो। पर यह घटना प्रदेश ही नहीं देश भर के लिए किसी अनहोनी से कम नहीं कि एक मौजूदा सांसद और वो भी सत्तारूढ़ दल का अपने हलके में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला शख्स यूं जीवन से मुंह फेर कर मौत को गले लगा ले। खैर, आज रामस्वरूप शर्मा पंचतत्व में विलीन भी हो गए, लेकिन वह कईयों को विचलित कर गए, साथ ही ढेरों सवाल छोड़ गए कि ऐसा उनके साथ क्या था जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों अपना जीवन समाप्त कर लिया। हालांकि वह काफी समय से बीमार थे और इलाज भी करवा रहे थे। जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया वहां ढेरों दवाएं बिखरी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई लाइलाज व गंभीर बीमारी भी नहीं थी कि रामस्वरूप जैसे कबड्डी के खिलाड़ी व्यक्ति को अविचल कर सके। आखिर फिर ऐसा क्या था जो उन्होंने अपने जीवन से तंग आकर छुटकारे के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना। खैर, यह सब पुलिस जांच के विषय हैं और जांच होनी भी चाहिए, लेकिन मुद्दा है कि उस जांच का कोई सिला भी निकले। वैसे साल भर चले कोरोना काल के दौरान एकाद नहीं सैकड़ों लोगों ने अवसाद में खुदकुशी का रास्ता चुना, लेकिन रामस्वरूप शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे नेता बनकर उभरे थे जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले बेहद कमजोर समझा जा रहा था, लेकिन जब परिणाम निकले तो सब दंग रह गए क्योंकि उन्होंने मंडी पार्लियामेंट्री सीट से कांग्रेस के अभेद्य गढ़ को भेद कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी एवं सांसद रही प्रतिभा सिंह को हराया। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में भी रामस्वरूप शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके दूसरी बार दिल्ली संसद की राह पकड़ी थी और अभी तक एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित थे। फिर आखिर ऐसा उनके जीवन में क्या भूचाल था जिसे शांत करने के लिए उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। यह टीस सबको साले जा रही है, उन्हें जानने वालों के भी और जिन्होंने इस बारे में सुना उन्हें भी। आज मंडी संसदीय क्षेत्र ही नहीं समूचा हिमाचल प्रदेश और देश भर स्तब्ध है। साथ ही हतप्रभ है रामस्वरूप शर्मा का परिवार जिन्हें अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। खैर, यकीन करना ही होगा क्योंकि दिवंगत आत्मा अब यह लोक छोड़कर परलोक में चली गई है और अपने पीछे छोड़ गई है अनेकों नेक अनुत्तरित सवाल जिनके जवाब हमें तलाशने ही होंगे, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं जब कोई बड़ी हस्ती यूं खामोशी से सबको चिंतन में डालकर स्वयं चिता पर लेट गई हो।